आई थी देवानंद साहब के साथ, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने, और उसी के एक गीत पर आज हम चर्चा करेंगे। फिल्मी गानों में बहुत से गानों को उनकी जो कहानी है उसके मुताबिक भी फिल्माया जाता है, उसके मुताबिक लिखा जाता है। गीतों के बोल बड़े अनमोल, यही है वो सीरीज जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं गीतकारों की और उनके लिखे गए गीतों की। महाभारत के शांति पर्व में एक बात कही गई है, न ग्रहम ग्रह मृत्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन के वीडियोस, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति और सामाजिक न्याय के पक्षधर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। गीतों के बोल बड़े अनमोल, यही है वो सीरीज जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं गीतकारों की और उनके लिखे गीत की, जिसमें छुपा है अध्यात्म। पिछले हफ्ते हमने फिल्म अमर प्रेम के गीत कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसके अध्यात्म पर चर्चा की। गीतकार थे आनंद बख्शी। आज चर्चा होगी कवि और गीतकार। जाने दीजिए, पहले सुनते हैं एक कहानी। एक बार उत्तर प्रदेश के इटावा के किसी गांव से काव्य पाठ करके कवि लौट रहे थे। रात हो चुकी थी, जीप जंगल से गुजर रही थी कि अचानक डीजल खत्म हो गया। खूब अंधेरे में दो नकाबपोश डाकुओं ने जीप को घेर लिया और उस कवि को अपने सरदार दद्दा के पास ले गए। दद्दा चारपाई पर लेटे हुए थे। डाकुओं को लगा कि कहीं वो कवि पुलिस का मुखबिर तो नहीं। पूछने पर कवि ने कहा कि वे काव्य पाठ करके लौट रहे थे और रास्ते में डीजल खत्म हो गया, तो सरदार ने कहा कि अगर ये सच है तो पहले भजन सुनाओ, फिर हम मानेंगे। इस पर उस कवि ने कई भजन सुनाए। सुनकर सरदार ने जेब से 100 रुपए निकाल कर दिए और कहा, बहुत अच्छा गा लेते हो भाई, जानते हैं वो कवि कौन था और कौन था वो डाकुओं का सरदार? सरदार था मशहूर बागी दद्दा सरदार माधो सिंह, और कवि था, बताता हूँ, साल था 1938 का। कवि के पिता का देहांत कम उम्र में ही हो गया था। उनके फूफा जी हर महीने सिर्फ 5 रुपए भेजते थे, जिससे एटा जिले में रह रहे 3 भाइयों, माँ व नाना जी का खर्च चलता था। 1 रुपए में शेर भर शुद्ध देसी घी मिल जाता था तब। हालांकि जब नॉन तेल लकड़ी से लेकर जरूरत की हर चीज के दाम आसमान को छूने लगे, तो उन्हें अपनी यानी कवि को अपनी मुफलिसी खल रही थी। और फिर आया सन 1960 का दशक, जब उस कवि का ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार एक गीत प्रसारित हुआ, जिसके बोल थे, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, और इस गीत ने गोपाल दास नीरज को रातों रात हीरो बना दिया। जी हाँ, आज के वीडियो के नायक हैं गोपाल दास नीरज, जिनके 50 वर्ष पूर्व लिखे इस गीत में लोभ, दर्शन, संघर्ष, पश्चाताप, सपना, आशा, अध्यात्म, सभी कुछ खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। कई अन्य कवियों की तरह नीरज का भी जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था। एटा में जन्मे, उन्हें विषम नौकरियों की तलाश करनी पड़ी और इटावा में एक टाइपिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन उनमें कवि बेचैन था। किशोरावस्था से ही नीरज ने कविता लिखना और मंच साझा करना शुरू कर दिया। अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज को नौकरी बदलनी पड़ी और एक शहर से दूसरे शहर चले गए, लेकिन कविता लिखने के लिए उनका रुझान जारी रहा। अंत में वो धर्म समाज कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद अलीगढ़ में ही बस गए। उन्हें शब्दों पर महारत हासिल थी, शब्द उनके पास लयबद्ध तरीके से अपने आप जुड़ जाते थे, जो आसान नहीं था। जब नीरज ने कवि सम्मेलनों में प्रवेश किया तो हरवंश राय बच्चन पहले से ही मंच पर एक स्थापित नाम था। हालांकि नीरज ने अपनी राह गढ़ी और लोगों के दिलों को छू लिया। उनकी कविताओं ने रूमानियत को नया जीवन दिया, जो अध्यात्मवाद के साथ जोड़ा गया। नीरज ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई अमर गीत लिखे थे, SD बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों के लिए, राज कपूर, देवानंद जैसे अभिनेताओं निर्माता के साथ नीरज एक प्रख्यात पसंद बन गए थे। देवानंद और मुमताज द्वारा अभिनीत फिल्म तेरे मेरे सपने में नीरज का लिखा गीत जीवन की बगिया महकेगी अध्यात्मवाद को समेटे हुए हैं। आज इसी गीत पर चर्चा करेंगे डॉक्टर डॉली आउटी और डॉक्टर सुनील देवधर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं उन फिल्मी गीतों पर जिनमें आध्यात्म जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका सुनील जी। भारतीय सिनेमा की एक मशहूर अदाकारा मुमताज, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत ही नीचे के स्तर से एक एक्स्ट्रा के तौर पे की थी, लेकिन उन्होंने अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन,
से ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो आप टॉप तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने उस दौर के सभी बेहतरीन कलाकारों के साथ टॉप मोस्ट हीरोज के साथ काम किया। उसी दौर में उनकी एक फिल्म आई थी देवानंद साहब के साथ, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने, और उसी के एक गीत पर आज हम चर्चा करेंगे। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेगी झूलेगी फूलेगी जीवन की बगिया। वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी जीवन की बगिया। तो सुनील जी, कहीं ना कहीं इस गाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है जी। पति पत्नी के संबंध को एक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसकी जो मधुरता है उसका व्याख्या भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक अजीब सा थॉट, या आप कहिए एक भेदभाव सा महसूस हुआ कि जब जो गाने में एक बात कही है कि वो मुस्कुराएगा वो झलकेगा वो महकेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम ना हमेशा ऐसा क्यों नहीं है कि लड़की होने की बात करें कि वो मुस्कुराएगी वो महकेगी, कहीं ना कहीं वो एक भेदभाव मुझे इस गाने में झलकता है या दर्शाया गया है जी। तो ऐसा क्यों है हमारे समाज में, और आध्यात्म इस बारे में क्या कहता है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, और क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तो मुझे और शायद ये बात कहीं ना कहीं इस नाते आपका ये प्रश्न एकदम लाजमी है जी। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ये भेद उस तरह से था नहीं। महाभारत के शांति पर्व में एक बात कही गई है, न ग्रहम ग्रह मृत्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। महिला को ही महत्व दिया गया है कि बिना घरवाली के घर नहीं होता, स्त्री के माध्यम से ही घर होता है, तो वहां तो उसको इतना महत्व दिया गया है। अब आपका एक जो प्रश्न है, तो ये फिल्मी गाने हैं जी। और फिल्मी गानों में बहुत से गानों को उनकी जो कहानी है उसके मुताबिक भी फिल्माया जाता है, उसके मुताबिक लिखा जाता है जी। तो ये पति पत्नी के बीच का गीत है और जिसमें एक संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त हुई है, लेकिन इसलिए वो मुस्कुराएगा वो गाएगा, लेकिन बात केवल उतनी नहीं है। ये आज के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये बात केवल उस पिक्चर की मांग हो सकती है, लेकिन तुलसी यहाँ बहुत अच्छी बात कहते हैं। तुलसी ये कहते हैं, ठीक है कि राम के दो पुत्र हैं लव कुश, और तुलसी ये भी कहते हैं, दोई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराणन गाए। दो पुत्र सीता ने जन्मे हैं वो लव कुश हैं, लेकिन तुलसी ये भी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री दोनों कुलों को पवित्र करती है जी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग स कहे सबको, यानी पुत्री की प्राप्ति से ही उज्जवल धवल भविष्य है जग है। तो यहाँ कहीं पुत्री की महिमा कम नहीं हुई है, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग कथा की मांग के हिसाब से बातें की जाती हैं, और ये तो फिल्म है और फिल्म को आधार बनाकर गीत लिखा गया है, इसलिए ये बात कही गई है।
तो कहीं ना कहीं हमें भ्रूण हत्या, कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना जरूरी है कि एक गर्ल चाइल्ड का अपना एक इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में. निस्संदेह. एंड एक गर्ल चाइल्ड ही है जो कल को आप एक फैमिली में स्त्री बनकर जाती है, उस फैमिली को चलाती है. जैसे हमारे डायरेक्टर ऑफ द शो डॉक्टर मुकेश शर्मा जी की संकल्पना रही है, उन्होंने डीडी में जब थे उन्होंने एक बहुत ही प्रचलित उनकी लाइन है कि मुर्गी शिकली प्रगति झाली. तो इसका जो क्रक्स है वो कहीं ना कहीं हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर एक वुमेन एजुकेटेड होगी, एक गर्ल चाइल्ड एजुकेटेड होगी, तभी हमारा पूरा समाज शिक्षित होगा. तो सुनील जी आइए सुनते हैं आगे का गीत. हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे. थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेगी झूलेगी फूलेगी जीवन की बगिया. तो सुनील जी भारत एक ऐसा देश है जिसमें विवाह शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें स्टेबिलिटी और लॉन्जिटिविटी दोनों है, अनलाइक वेस्ट. इस बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ बात महत्व की ये है कि हमारे यहाँ ये संकेत है कि जब विवाह होता है ना तो उस विवाह के समय 6 चीज़ें बांधी जाती हैं. जब बंधन कराते हैं तो 6 चीज़ें बांधी जाती हैं. वो 6 चीज़ें क्या हैं? वो है फूल, पैसा, हल्दी, सुपारी, अक्षत और दूर्वा. और हमारे यहाँ चीज़ें प्रतीकात्मक हैं, इनमें एक संकेत होते हैं. अब यही 6 चीज़ें क्यों हैं? अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं. तो जब हम इन प्रतीकों को समझेंगे, अब हम आपने जब ये प्रश्न कर ही दिया है कि उस जो विवाह की पवित्रता है और उसकी जो गठबंधन की एक जिसको कहना चाहिए कि स्थायित्व है वो क्यों है, तो जब पंडित इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सी बात इसलिए भी हो रही है कि उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये क्यों है. और ऐसा नहीं है कि शब्द असर नहीं करता, अगर आपको समझाया जाएगा शब्द बताया जाएगा तो उसका असर होगा. तो ये 6 चीज़ें प्रतीकात्मक हैं और वो एक एक चीज़ को कह रही है. सबसे पहले फूल. तो फूल में जो कोमलता है, जो सौंदर्य है, वैवाहिक जीवन में वो सौंदर्य बना रहना चाहिए. दूसरा है सुपारी. सुपारी इस बात को संकेतित करती है कि कुछ भी हो, कैसे भी प्रहार हो, वो जो कड़ापन है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो टूटनी नहीं चाहिए जी. वो बनी रहनी चाहिए. दूर्वा एक ऐसी वनस्पति है कि वो सूखने के बाद भी हरी रहती है. तो अगर कभी ऐसा कोई संकट भी आए तो आप हर हाल में हरे बने रहें, यानी खुश बने रहें. अक्षत यानी चावल. एकमात्र ऐसा धान्य है जो भीतर भी सफेद है और बाहर भी सफेद है. आप गेहूं को तोड़ेंगे तो ऊपर पीला है या वो लाल वाला भी है लेकिन अंदर एक सफेद पाउडर निकलेगा जी. आप मूंग हरी है, अंदर सफेद पाउडर निकल आएगा. तो कोई भी धान्य ऐसा नहीं है जिसका अंदर बाहर एक सा हो. अक्षत ही एकमेव ऐसा धान्य है जिसका अंदर और बाहर एक सा है. तो संबंधों के स्थायित्व और पवित्रता के लिए जरूरी है कि आपस में आप भीतर बाहर एक से रहें, छुपा कर न चलें. अब बात आती है हल्दी की और पैसे की. वो समय था जब पत्नी काम नहीं करती थी, पति ही कमाता था, लेकिन स्पष्ट संकेत है वो पैसा बीच में बंधा है. ये दबाया ना जाए कि पैसा हम कमाते हैं इसलिए जो है वो हम बड़े हैं या हम महत्वपूर्ण हैं. जो भी घर में पैसा आ रहा है उस पर आधा आधा हक दोनों का है, इसलिए वो बीच में पैसा बंधा है. और हल्दी वैवाहिक जीवन में भी आरोग्य
स्वास्थ्य के लिए हम कहते हैं ना, जरा सा भी कुछ खरोंच लग जाए तो हम कहते हैं हल्दी लगा दो, हल्दी का पाउडर लगा दो। तो दो बातों का प्रतीक है वो, एक तो आरोग्य बना रहे, स्वास्थ्य मिले, और वैवाहिक जीवन में भी एक ब्रह्मचर्य बना रहे। क्योंकि विवाह का अंतिम उद्देश्य क्या है? संतान उत्पत्ति। और आप वैवाहिक जीवन में खुश रहें इसलिए आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप थोड़े से ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे। तो कितना सांकेतिक हमारे यहाँ सारा विधान है, और इसलिए ये जो गीत है और इसमें इसलिए इस बात को कहा गया है जी। तो वो जो आपका प्रश्न था, मुझे लगता है कि शायद बेहतर ढंग से कि हमारे यहाँ वैवाहिक संबंधों में इतना स्थायित्व क्यों है, तो अगर हम एक्सप्लेन करेंगे एक चीजों को, तो शायद अभी जो टूट रहे हैं संबंध वो शायद फिर से एक बार लोग सोचें और स्थायित्व आने लगे। बहुत खूब सुनील जी। तो कहीं ना कहीं जो हम शादी के वचन लेते हैं वही हमारी रिलेशनशिप में प्यार, विश्वास और साथ बनाए रखने का प्रतीक है। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। तो सुनील जी, गीत का नीरज आगे बात करते हैं एक फूल खिलने की, जिसका सीधा सीधा संबंध है बच्चों की किलकारी की, बच्चे के आगमन की। तो क्या वाकई में एक बच्चा हमारे जीवन को पूर्ण करता है? आध्यात्म इस बारे में क्या कहता है? निस्संदेह हमारे यहाँ तीन ऋणों की बात की गई है जी। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण। तो पितृ ऋण को कौन चुकाएगा? तो पुत्र चुकाएगा। तो पुत्र उस भाव से नहीं है, आज के संदर्भ में केवल पुत्र नहीं, संतान, चाहे वो पुत्री हो और चाहे वो पुत्र हो। जो बात हमने कही, तुलसी ने जो बात कही है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, वो तो दोनों कुलों को तारती है। पुत्र तो एक ही कुल को तारेगा, लेकिन पुत्री दोनों कुलों को तारती है, पुत्री का महत्व ज्यादा है। तो जो ऋण से मुक्ति होगी वो संतान से होगी। इसलिए एक तो वो भाव है, और फिर निस्संदेह जैसा कहा कि वैवाहिक जीवन का एक लक्ष्य तो ये है ही कि संतान उत्पत्ति। तो जब आपकी संतान होगी तो वही आपकी पीढ़ी को, आपकी परंपरा को, आपके परिवार को, अनुवांशिकता को आगे ले जाएगी। इसलिए भी एक पुत्र जब आ जाता है, एक पुत्री जब आपके जीवन में आ जाती है, तो वो पति पत्नी के संबंधों को और करीब ले आती है, और करीब हो जाते हैं वो, और इसलिए और घर में एक आनंद होने ही लगता है। जब एक बच्चा आपके घर में होता है तो आप ये देखें कि किस तरह से आपका पूरा समय उस बच्चे के चारों तरफ ही घूमता रहता है। अगर आपने अपने घर में 10 मेहमान भी बुला लिए तो वो 10 मेहमान भी उस बच्चे के आसपास ही होते हैं। तो मुझे गुलजार साहब का एक प्रसंग याद आ गया, उनकी एक छोटी सी कविता है कि वो जो बेटा है वो कह रहा है, मेघना का जो बेटा है वो कह रहा है कि माँ, ये नाना मेरे पेट में गुदगुद करते हैं, खो खो करके हंसते हैं, आखिर में इन्हें कब तक खिलाता रहूं, थक गया हूं मैं। तो बच्चा खिला रहा है नाना को, तो कितना आनंद है कि मेरे पेट में गुदगुद करते हैं, खो खो करके हंसते हैं, आखिर में इन्हें कब तक खिलाता रहूं, थक गया हूं। तो एक बच्चे के आने से सच में किलकारी तो बच्चे की होती है, लेकिन घर में एक किलकारी गूंजने लगती है, वो आनंद की, वो प्रसन्नता की किलकारी होती है। इसलिए संतान केवल और केवल ये नहीं है कि वो आपके परिवार को आगे बढ़ाती है, बल्कि संतान ये भी है कि वो आपके वर्तमान को भी सुखी करती है, आनंदित करती है। बहुत बढ़िया आपने कहा सुनील जी। और इसी के साथ मैं थोड़ी सी एड ऑन लाइन करना चाहूँगी कि आज हमें लड़का या लड़की की कामना से ज़्यादा ये कामना करनी चाहिए कि हमें एक हेल्दी चाइल्ड हो, जो बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी चाइल्ड तब होगा जब हमारी माएँ तंदुरुस्त रहेंगी, जब हम हमारी देश की बेटियों को वो सही शिक्षा, वो सही न्यूट्रिशन देंगे जी। तो आज की इस चर्चा में ये सारी चीजें उभारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। धन्यवाद।
एक बार पुनः आप सबका स्वागत। चर्चा हो रही है गीतकार गोपाल दास नीरज की। फिल्मों में नीरज के गाने ने उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया, लेकिन उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखते हुए भी अपने स्टाइल को जारी रखा। लय उनकी कविता की एक वानगी थी जो उनके गीतों तक जाती। ऐसी घटनाएं हुई जहाँ नीरज ने खुद अपने गीत गाए ताकि संगीतकार आसानी से धुन विकसित कर सके। इसका नमूना है फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। फिल्म प्रेम पुजारी के लिए कोई भी गीत की लय वर्क को आसानी से पहचान सकता है और नीरज को उसका श्रेय देगा। काल का पहिया घूमे रे भैया, फिल्म चंदा और बिजली, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, फिल्म पहचान, या फिर ए भाई जरा देख के चलो, फिल्म मेरा नाम जोकर। इन सभी गीतों के बोल नीरज के आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाते हैं, जहाँ उन्होंने लोगों की पीड़ा को अपने दिल की गहराई तक महसूस किया। उन पर श्री अरबिंदो का प्रभाव था और ये उनकी कविता में प्रभावित होता है। भारत ने कई दिग्गज कवियों को देखा है जिनका अपना महत्व और कविताओं को प्रस्तुत करने की प्राकृतिक शैली थी, लेकिन निसंदेह नीरज के मन में आम आदमी के लिए भावनाएं थी। उन्होंने उनके दर्द और कष्टों को महसूस किया और यह उनके लेखन में प्रेम के रूप में परिलक्षित होता है। नीरज उर्दू को अच्छी तरह जानते थे और अपनी शैली खुद बनाते थे। उन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया और हिंदी खड़ी बोली की कोमलता को छुआ। कविताओं को इतनी वाक्पटुता के साथ प्रस्तुत किया कि वे तुरंत सभी के होठों पर आ गई। नीरज की सादगी उनकी जीवन शैली में साफ झलकती है। नीरज कवि सम्मेलनों में होने वाली चुटकुलेबाजी पर कोफ जाहिर करते थे। वे हमेशा कहते थे कि मंच पर अब कविताएं नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ चुटकुलेबाजी ही होती है। अब न वो कवि हैं जो मर्म को शब्दों में ढाल सकें और न ही उनकी कद्र करने वाले श्रोता हैं। अपनी इसी बात को उन्होंने शब्दों में बहुत खूबसूरती से पिरोया है। उनका कहना था कि अब न वो दर्द, न वो दिल, न वो दीवाने रहे। अब न वो दर्द, न वो दिल, न वो दीवाने रहे। अब न वो साज, न वो सोज, न वो गाने रहे। साकी, अब भी तू यहाँ किसके लिए बैठा है? अब न वो जाम, न वो मैं, न वो पैमाने रहे। वैसे नीरज मन से कई बार ये भी कहते थे कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मेरी कुंडली एक ही है। हाँ, जब चंद्रमा बदला तो वो प्रधानमंत्री बन गए और मैं गीतकारों की दुनिया में मशहूर हो गया। 19 जुलाई 2018 को नीरज ने अंतिम सांस ली। विश्व शांति दर्शन की ओर से कवि गोपाल दास नीरज को शत शत प्रणाम। इस वीडियो को अब यहीं देते हैं विराम और अगली बार फिर भेंट होगी एक और गीतकार से और ढूंढेंगे उसके बोलों में कहां छिपा है अध्यात्म। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा थी, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, इन सबको हमने पीछे छोड़ा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हमारे फिल्म उद्योग को हर युग में कुछ शानदार कवियों और गीतकारों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन उनमें से सभी को समान स्तर की लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। इंदिरा गांधी ने पूछा हमारा देश कैसा लग रहा है, तो जवाब था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।